जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुन लो। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सौ से गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सौ से गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सौ से गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सोरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सोरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो आलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप की सुगरा को हरदम याद आती थी। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर डाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोजे पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता था। उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कुबारी में। बहुत दिन हो गए
अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा हम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगा कर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज सुने पड़ी फिर ये दुआ मांगी,
अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम रजा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंजू फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इकरुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तक मील फरमाया खुदा इस नेक मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ भूपी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ऐ बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ऐ बाबा। सलाम ए जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की मैं हूँ मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है, मेरा रंजो आलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे जल्दी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत नहीं तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, के मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी कभी हरगिज ना रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा अच्छा है, सलू का मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है,
मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी, करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की, मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दिन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दिन का बाबा तो मत आना मेरे बाबा, अगर हो काम बाकी दिन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे आ बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसुरदा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जब रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़ कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह करिए बाबा हम तुम्हें जल्दी बुलाएंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां ना पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप को पहुंचा के आऊंगा, तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा जहरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो, तुम्हारे हम
मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर सुगराने अल्लाह गम कुसारी का सिला बख्शे। हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले। नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती। अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपनी दवा दे आया बच्चे को। वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफले वाले। खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे के इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है। उसे रोते हुए बीमारी की हालत में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या। तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जुमले खत में थे कलबो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कलबो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कलबो जिगर का काम कर बैठे। सुगरा का खत जब वो कासिद वहां लेकर जाता है उस वक्त हजरत इमाम आली मकाम बाकी थे और आबिद बीमार बाकी थे। आप अपने खेमे के पास खड़े होकर कुछ वसीयत फरमा रहे थे लेकिन सरकार ने जब अपनी बेटी का वो खत देखा तो उनका कलेजा उस वक्त क्या उन पर बीत रही होगी दर्द से। लेकिन आप उस कासिद से फिर भी कहते हैं कि तुम इस वक्त हमारे पास आए हो हम तुम्हें एक बूंद पानी भी तो नहीं दे सकते। और उसके बाद जब वो खत आपने खोलकर पढ़ा और सारे खेमे में जब ये बात
सबको मालूम हुई कि हजरत सुगरा का खत आया है तो सबका हाल समाप्त फरमाइएगा इस आखिरी बंद में। मुलाहिज़ा करें, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई, सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी, बड़ी अबतर थी हालत गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को, यही हालत थी हर एक की गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था, कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अब अब्बास बाकी है ना मुस्लिम है ना असगर है, हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने, फकत बीमार आबिद रह गया है खानदा भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में, किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म ढाए हैं, कदम लेकिन न अपने राहे हक में डगमगाए हैं, ये सुनकर रो पड़ा कासिद कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो, ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ, खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है, शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे, किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को, हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर। शहादत हजरत मुस्लिम की मैं तुमको सुनाता हूँ, शहादत हजरत मुस्लिम की मैं तुमको सुनाता हूँ, जिगर थामो कयामत खेज मंजर दिखाता हूँ, जिगर थामो कयामत खेज एक मंजर दिखाता हूँ, कयामत खेज एक मंजर दिखाता हूँ,
कलीदी सल्तनत के हो गए अहकाम जब जारी, तो फिर बैत कराने को हुई हर सिमत तैयारी। जबरदस्ती हुकूमत अपनी मनवाई गई सबसे, बजोरे तेग बैत अपनी करवाई गई सबसे। मदीने में जो बैत के लिए कुछ लोग बुलवाए, मदीना छोड़कर शब्बीर मक्के में चले आए। दिखाए अपनी मक्कारी के करतब कूफा वालों ने, हुसैन इब्ने अली को खत लिखे सब कूफा वालों ने। लिखा ये सब ने हर खत में इमाम अली मकाम आए। यजीदी जुल्म रोके दीन को महफूज फरमाए, खुदा का वास्ता देते हैं अब सरकार आ जाओ। सभी कूफा है बैत के लिए तैयार आ जाओ। इसी सूरत से आए 150 खत कूफा वालों के, तो तहकीकात को शब्बीर ने मुस्लिम वहां भेजे। दो बच्चे साथ थे मुस्लिम के कम सिन भोले भाले थे, वो गुंचे हाशमी गुलशन के रंगो नूर वाले थे। जो पहुंचे शहर के दरवाजे पे मुस्लिम तो क्या देखा, हुसैन इब्ने अली के नाम का तुगरा लगा देखा। बराए खैर मकदम सारे कूफी दौड़ते आए, बड़ी इज्जत से मुस्लिम के लिए वो शहर में लाए। कहा सबने के हम शब्बीर पर कुर्बान जाएंगे, फना कर देंगे खुद को दीने अहमद को बचाएंगे, फना कर देंगे खुद को दीने अहमद को बचाएंगे, फना कर देंगे खुद को दीने अहमद को बचाएंगे। हजारों कूफियों ने आपके हाथों पे बैत की, कसम खाई सभी ने इब्ने हैदर की इताअत की। ये हालत देख कर मक्के को मुस्लिम ने खबर भेजी, यहाँ माहौल अच्छा है चले आओ मेरे भाई। यही सब की तमन्ना है हुसैन इब्ने अली आए, करें अब रहनुमाई दीन को महफूज फरमाए। हकीकत सारी लिख कर ये लिखा खत में चले आओ, रवाना कर दिया मुस्लिम ने कासिद शहरे मक्का को। यजीद इब्ने मुआविया को जब इसकी खबर पहुंची, तो फिर इब्ने ज़ियाद आया बड़ी सख्ती से धमकी दी। जो आले मुस्तफा का दम भरेगा मारा जाएगा, हुकूमत से बगावत जो करेगा मारा जाएगा। जो ठहराएगा मुस्लिम को कलम कर दूंगा सर उसका, जनो फरजंद को मारूंगा और फूंकूंगा घर उसका। मनादी सुनते ही मुस्लिम को सबने दे दिया धोखा, निकल कर भागे मस्जिद से उन्हें तन्हा वहीं छोड़ा। गिरफ्तारी को मुस्लिम की सिपाही 300 आए,
ये हालत देख कर मुस्लिम बहुत ही दिल में पछताए। हैं बच्चे साथ में कम सिन हमें अपनी नहीं परवा, हुसैन इब्ने अली आए यहाँ तो हाल क्या होगा। खबर मक्के को भेजे हाथ किसके कौन जाएगा, नए हालात जाकर कौन भाई को बताएगा। निकल कर आप मस्जिद से चले तो आके घर पहुंचे, वो तो एक ज़ईफ़ा थी ये पूछा उसने मुस्लिम से, बताओ कौन हो तुम कैसे की तकलीफ आने की, कि तुमसे आती है खुशबू मोहम्मद के घराने की, तुमसे आती है खुशबू मोहम्मद के घराने की, ये तुमसे आती है खुशबू मोहम्मद के घराने की। शब्बीर का भाई मोहम्मद का नवासा हूँ, जरा सा दीजिए पानी के मैं इस वक्त प्यासा हूँ। पिया पानी के इतने में सिपाही घर में आ पहुँचे, उन्हें देखा जो मुस्लिम ने तो फिर बाहर निकल आए। पुलिस अफसर ये बोला तुम बगावत करने आए हो, तुम्हारी मौत लाई है यहाँ तुम मरने आए हो, हुकूमत की इताअत मान लो जिद तोड़ दो अपनी, यजीदी रंग में आओ शरीयत छोड़ दो अपनी, नहीं मानोगे तुम तो जेल में पहुंचाएंगे तुमको, सजा देंगे कड़ी तुमको बहुत तड़पाएंगे तुमको, सताएंगे तुम्हें दिन रात फिर बेमौत मारेंगे, चलो दरबार को वरना अजल के घाट उतारेंगे। जनाबे हजरते मुस्लिम ये सुनकर तैश में आए, शरीयत मिट नहीं सकती जहां से कुछ भी हो जाए, कभी मैं फासिको फाजिर की बैत कर नहीं सकता, कभी तस्लीम ऐसों की हुकूमत कर नहीं सकता। हुआ फिर जंग को तैयार एकदम वो पुलिस अफसर, बढ़े फौरन सिपाही आप पर तलवार ले लेकर, सिपाही 300 और आप तन्हा हौसला देखो, बढ़े तलवार लेके आप भी फिर जंग करने को, जो आई आप पर तलवार उसको ढाल पर रोका, किया एक बार में फौरन सफाया आपने धोखा, मिसाले शेर बढ़ बढ़ कर उतारा सर लाइनों का, गिरी तलवार तो टुकड़े किया मगफर लाइनों का, जमी पर सैकड़ों दुश्मन गिरे बेजान हो होकर, सिपाही अपने रोके और पीछे हट गया अफसर, बनी तलवार बिजली जिस घड़ी मुस्लिम को जोश आया, तलवार बिजली जिस घड़ी मुस्लिम को जोश आया, बनी तलवार बिजली जिस घड़ी मुस्लिम को जोश आया, गिरी जिस
पर भी उसको आतिश दोजख में पहुंचाया, जिस पर भी उसको आतिश दोजख में पहुंचाया, मेरी जिस पर भी उसको आतिश दोजख में पहुंचाया। सर ने इस सूरत से हम काबू ना पाएंगे, जवाने हाशमी से लड़के जान अपनी गवाएंगे, करो तदबीर कोई और इसके पास मत जाओ, हटो पीछे जरा से और पत्थर इस पे बरसाओ। हुई बरसात संगो खिश्त की जब आपके ऊपर, लहू बहने लगा जिस दम लगा पेशानी पे पत्थर, ज़ईफा से कहा मादर जरा सा दीजिए पानी, ज़ईफा ने दिया पानी तो आई ये परेशानी, लगाया मुंह से जब प्याला तो पत्थर एक लगा कर के, जिससे होंठ सारा कट गया हालत हुई अबतर, लहू से भर गया प्याला गिरे दंदान भी उसमें, हुआ बेकार पानी झांकती थी तशनगी उसमें, किया वापस वो प्याला और कहा बस शुक्रिया मादर, पीऊंगा पानी इंशाअल्लाह अब फिर दोस्त में जाकर, गिरे फिर और भी पत्थर बहुत जख्मी हुए मुस्लिम, किया एक बार छुप कर दुश्मनों ने गिर गए मुस्लिम, शिकम में पार नेजा हो गया तलवार भी मारी, लहू जब बह गया काफी हुई तब बेखुदी तारी, उन्हें फिर ले गया दरबार में जालिम पुलिस अफसर, वहां सर काट कर लाशे को फेंका किले से बाहर, जनाबे हजरत मुस्लिम ने हक पर सर कटा, जनाबे हजरत मुस्लिम ने हक पर सर कटाया है, तभी तो शौक अल्लाह पाक से एजाज पाया है, तभी तो शौक अल्लाह पाक से एजाज पाया है, तभी तो शौक अल्लाह पाक से एजाज पाया है। मुस्लिम की शहादत हो गई, लेकिन उनके साथ जो उनके दो बच्चे गए थे, उन जालिमों ने उन बच्चों को किस तरह शहीद किया है, समाप्त कीजिएगा हजरत इस शहादत इमाम हुसैन। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बेहद कामयाबी के बाद ये वॉल्यूम 3 का ये आखिरी भाग है, इसको सुने। शहादत हजरत मुस्लिम ने पाई शहरे कूफा में, फिर उसके बाद तोड़ा जालिमों ने कहर कूफा में, मना दिए कराई इब्ने मुस्लिम को जो लाएगा, वो ऐवाने हुकूमत से बड़ा इनाम पाएगा, पाएगा जो कोई अपने घर में तो सजा देंगे, उसे और उसके घर वालों को दुनिया से मिटा देंगे, लगी होने तलाशी हजरत मुस्लिम के बच्चों की,
ये कैसा इनकलाब आया के आफत आई सच्चों की। वो बच्चे सो रहे थे घर में उस दम शहर काजी के, भयानक ख्वाब देखा एकदम से दोनों उठ बैठे। किया काजी ने उनको प्यार फेरा हाथ भी सर पर, लगाया अपने सीने से उन्हें काजी ने रो रो कर। कहा काजी से बच्चों ने पता बाबा का बतला दो, जहां बाबा हमारे हो वहीं तुम हमको पहुंचा दो। कहा काजी ने बच्चों बाप तो मुल्के आदम पहुंचे, उन्हें तो कत्ल कर डाला यजीदी एक अफसर ने। न घबराओ करो तुम सब्र जन्नत मिल गई उनको, खुदा राजी हुआ उनसे शहादत मिल गई उनको। खबर सुनकर ये बच्चे रो पड़े, गश आ गया उनको के मरना बाप का परदेश में दहला गया उनको। कहा रो रो के बाबा आपने दुनिया से मुंह मोड़ा, रो रो के बाबा आपने दुनिया से मुंह मोड़ा। कहा रो रो के बाबा आपने दुनिया से मुंह मोड़ा, हमें दागे यतीमी दे गए परदेश में छोड़ा। हमें दागे हमें दागे यतीमी दे गए परदेश में छोड़ा। हजरत मुस्लिम के वो बच्चे रो रो कर अपने वालिद को याद कर रहे हैं, लेकिन कलेजा हिल गया काजी का सुनकर दर्द के नाले। उन्हें डर था कहीं इनको ना कोई कत्ल कर डाले। बुलाकर अपने लड़के को कहा एक बात है बेटा, अंधेरी रात है तू शहर से बाहर इन्हें ले जा, मदीने के लिए एक काफिला बुझाने वाला है, उसी के साथ करके आ बुरा वक्त आने वाला है। यहाँ इब्ने ज़ियाद आया तो इनको कत्ल कर देगा, हिमायत जो करेगा इनकी उसकी जान ले लेगा। इन्हें कुछ दुख नहीं पहुंचे, सताए हैं जमाने के, ये है फर्जंद मुस्लिम दोनों हैदर के घराने के। गए वो दोनों बच्चे साथ में फर्जंदे काजी के, के इतने में रवाना हो चुके थे काफले वाले। अभी कुछ दूर ही वो काफला जाता नजर आया, ये आहट से लगाया सिर्फ उस लड़के ने अंदाजा। बताकर रास्ता बच्चों को काजी का पिसर लौटा, पिसर मुस्लिम के दौड़े काफला लेकिन ना मिल पाया। अंधेरी रात में वो राह भूले थक गए दोनों, परेशान हो गए रो रो के ये कहने लगे दोनों, खबर क्या कब तलक अपने वतन में पहुंच पाएंगे। अगर पूछेंगी अम्मा बाप को तो क्या बताएंगे, अगर पूछेंगी अम्मा बाप को तो क्या बताएंगे, अगर पूछेंगी अम्मा बाप को तो क्या बताएंगे।
पढ़ते कुरान की जो मिलती कब्र बाबा की, चढ़ाते फूल तुरबत पर तो कुछ तस्कीन मिल जाती। ये पूछा छोटे भाई ने बड़े भाई से रो रो कर, है कितनी दूर मंजिल लग रहा है दुश्मनों का डर। हम आए थे यहाँ तो लोग हमको प्यार करते थे, हुसैन बुने अली का दम सभी इंसान भरते थे। बड़ी इज्जत से बाबा को बिठाया घर में ले जाकर, हुए फिर ऐसे दुश्मन वो कलम कर डाला उनका सर। हमारा मर्तबा उन जालिमों ने कुछ नहीं जाना, शहनशाहे दो आलम है हमारे बाप के नाना। बड़े भाई ने रो रो कर कहा भाई ना पछताओ, यही मंजूर था कुदरत को आंसू तुम ना बरसाओ। चले जाते थे डरते कांपते दोनों वो सर डाले, सफर मुश्किल था उनको पड़ गए थे पांव में छाले। अगर पत्ता खड़क जाता तो डर जाते थे वो दोनों, अंधेरी रात में चलने से घबराते थे वो दोनों। सहर के वक्त एक हाकिम ने देखा और उन्हें पकड़ा, तमाचे मुंह पे मारे और उन्हें जंजीर से जकड़ा। कहा बच्चों ने हमको छोड़ दो हम काम आएंगे, हश्र हम नाना से तुमको बख्शवाएंगे, बरूदे हश्र हम नाना से तुमको बख्शवाएंगे, बरूदे हश्र हम नाना से तुमको बख्शवाएंगे। तरस हाकिम के लिए मजलूम बच्चों पर, सितम पे दर्द ने ढाए बड़े मासूम बच्चों पर। वो कूफा शहर में जालिम गया बच्चों को दिखलाता, जताता मर्दुमी अपनी उन्हें खींचे लिए जाता। सारे बाजार बच्चे अश्कुबारी करते जाते थे, बांधे नाजुक वो अपने हाथ लोगों को दिखाते थे। बशर जब कोई उनसे पूछता तुम हो कहां वाले, तो कहते मलमला कर है नबी के खानदान वाले। वो हाकिम लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, दिया ये हुक्म इन दोनों को तू अब जेल को ले जा। ये कहना जाके इन दोनों को आसानी ना मिल पाए, कभी भी पेट भर के रोटी और पानी ना मिल पाए। हुए वो सूख कर कांटा बिचारे जेल के अंदर, गुजारा साल पूरा इब्ने मुस्लिम ने वहां रोकर। दारोगा एक बदल कर जेल में मशकूर जब पहुंचा, तो उन बच्चों से उनका हाल और हसबो न सब पूछा। हुआ मालूम जब ये हैं नबी के खानदान वाले, किया एक रात में उनको रिहा सब खोल कर ताले। चले जब रात भर किस्मत ने एक चश्मे पे पहुंचाया, सहर को देखा तो खुद को करीबे कूफा ही पाया। दरख्त को खुला चश्मे किनारे जो खड़ा देखा,
उसी में छुप गए दोनों, उन्हें दुश्मन का था खटका। वहां भरने को पानी मोमिना अपना घड़ा लाई, उसे पानी में प्यारी चांद सी सूरत नजर आई। किया जब गौर तो एक पेड़ में दोनों नजर आए, निकाले पेड़ से मासूम वो सीने से चिपटाए। हजरत जब ये दोनों बच्चे उस पेड़ के अंदर बैठे हुए थे जो खोखला था, एक मोमिना पानी भरने के लिए उस चश्मे पर आती है जिसके किनारे पर वो खोखला पेड़ था, और जब वो पानी भर रही थी तो पानी के अक्स में उद को इन दोनों बच्चों की शक्लें दिखाई देती हैं, और वो औरत इन बच्चों को अपने घर ले जाती है। लेकिन क्या हजरत मुस्लिम के ये दोनों बच्चे इस मोमिना औरत के घर महफूज रहेंगे? ये आखिरी बंद आप सुन रहे हैं, हजरत मुस्लिम के बच्चों की शहादत, समाप्त कीजिएगा। किया जब गौर तो एक पेड़ में दोनों नजर आए, निकाले पेड़ से मासूम वो सीने से चिपटाए। हुआ मालूम जब उनका तारुफ अपने घर लाई, वो औरत थी मोहम्मद मुस्तफा के घर की शैदाई। खिलाया उनको खाना फिर सुलाया रात को अंदर, हुई जब रात काफी मोमिना का आ गया शौहर। सुनी आहट जो बच्चों की तो अंदर से पकड़ लाया, कहा उसने के इनको मार कर इनाम पाऊंगा। बचाना चाह औरत ने तो उसको कत्ल कर डाला। लबे दरिया गया बच्चों को लेकर जर का मतवाला। उतारे जाके सर दरिया पे उन मजलूम बच्चों के, उतारे जाके सर दरिया पे उन मजलूम बच्चों के, उतारे जाके सर दरिया पे उन मजलूम बच्चों के। मगर है शौक जिंदा नाम उन मासूम बच्चों के, मगर है शौक जिंदा नाम उन मासूम बच्चों के, मगर है शौक जिंदा नाम उन मासूम।